आज के वीडियो में मैं आपके साथ 5 मिनिमलिज्म के कंसेप्ट डिस्कस करूंगी जिसे आप इमीडिएटली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज मिनिमलिस्ट फर्नीचर। आपके घर में जितनी कम चीजें होंगी आपको उतना रिलैक्सिंग फील होगा। आपके घर में जितने ज्यादा चीजें होंगी उतना आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, उतना आपका मेंटल क्लटर भी बढ़ेगा। बिकॉज जब भी आप कोई दूसरी चीज देखते हैं, तीसरी चीज देखते हैं, आपको वो चीजें देखते ही डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि आपको वो चीज देखकर कोई मेमोरी याद आ जाती है। अगर आपके घर में बहुत सारे पुराने फर्नीचर पड़े हुए हैं तो उन सभी फर्नीचर को मिलाकर आप नए फर्नीचर्स बना लीजिए। ऐसे फर्नीचर बनाइए, ऐसे डिजाइन में बनाइए जिसका आपके लिए बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। घर में सिर्फ यूजफुल सामान होने से आपको हैप्पी भी फील होगा एंड पीसफुल भी फील होने लगेगा। सेकंड इज मिनिमल इन्फॉर्मेशन। द सीक्रेट टू कामनेस इज टू नॉट क्लटर योर माइंड विद अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। इसलिए सबसे पहले आप अपनी न्यूज आप डिलीट कर दीजिए। आधी से ज्यादा न्यूज फेक होती है एंड जो आपके लिए ट्रू एंड इम्पॉर्टेंट है वो आपको ऐसे भी अपने फ्रेंड्स एंड घर वालों के थ्रू मिल जाती है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम योर फोन। गूगल पे, पेटीएम, इस टाइप के एप्स को रहने दीजिए, उसमें एक्चुअली काम के नोटिफिकेशंस आते हैं, बट आपके सोशल मीडिया या आपके इस टाइप के कोई भी एप्स जो आप यूज करते हैं जिसमें आपको कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन आता है या दिन में एक नोटिफिकेशन भी आता है तो उसे आप ऑफ कर दीजिए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम फोन बड़े इंटरेस्ट से उठाते हैं कि सोचते हैं कि कुछ अच्छा नोटिफिकेशन आया होगा, बट कोई फालतू नोटिफिकेशन होता है, हमारे कोई काम का नहीं होता, फिर भी हम उसको पढ़ते हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं एंड फिर वापस फोन रख देते हैं। बेटर है कि हम ऑफ ही कर दें। मेरा फोन 24 आवर्स म्यूट पर रहता है। इनफैक्ट मैं पहले सोशल मीडिया भी यूज नहीं करती थी, एक दो महीने पहले ही मैंने स्टार्ट किया बिकॉज आई वॉन्ट टू सपोर्ट दिस चैनल थ्रू दैट। नेक्स्ट इज मिनिमलिस्ट मेकअप। आई स्टिल नीड टू वर्क ऑन दिस वन, बट कुछ वर्क तो मैंने किया ही है। सो मेरा 6 मंथ्स पुराना मेकअप बैग कुछ ऐसा दिखता था, 1 मंथ पुराना कुछ ऐसा, और आज कुछ ऐसा दिखता है। आई एम प्रोग्रेसिंग। सेम गोज फॉर मिनिमलिस्ट वार्डरोब। इट लुक लाइक दिस एंड नाउ इट लुक्स लाइक दिस। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले एक साल में मैंने जितने कपड़े बाय किए उससे 3 टाइम्स ज्यादा मैंने थ्रो किए। आई डेफिनेटली डिजर्व अ पैट ऑन माई बैक। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मिनिमलिज्म। इंडियंस की आदत है यूज, रीयूज एंड अगेन रीयूज। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप घर पे रखे इस मास्क में देख सकते हैं। हम सभी को पता है कि इस मास्क को 1 टाइम यूज करना है, लेकिन फिर भी काफी लोगों ने इसका 1 टाइम से तो ज्यादा यूज किया ही है, इंक्लूडिंग मी। एंड ऐसी बहुत सी चीजें हमारे घर पे जिसे हम बिना रिग्रेट के फेंक सकते हैं, बट फिर भी हम घर पे रखे होते हैं उसे वापस यूज करने के लिए, जैसे कि प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक बॉक्सेस एंड मेकअप प्रोडक्ट्स। एंड ऐसी बहुत सी चीजें जो आपको पता है कि आपके यूज अभी नहीं आने वाली, जो आप खुशी से अभी यूज नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी रखे होते हैं एक ऐसे दिन के लिए जो आपको भी पता नहीं कि कब आएगा। सो थ्रो देम ऑफ। क्या करेंगे आप घर पे रख के, फेंक दो उसे। ट्रस्ट मी, अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि एक प्रोडक्ट यूज करने का, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने का एक बोझ हल्का हो गया आपके ऊपर से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, एंड अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।